रोटरी क्लब मुजफ्फरनगर मिडटाउन द्वारा ग्लोबल ग्रांट के अंतर्गत एक टॉयलेट ब्लॉक का लोकार्पण स्वामी कल्याणदेव कन्या डिग्री कॉलेज बाबरी शामली में किया गया। बृहस्पतिवार को रोटरी क्लब मुजफ्फरनगर मिडटाउन द्वारा ग्लोबल ग्रांट के अंतर्गत एक टॉयलेट ब्लॉक का लोकार्पण स्वामी कल्याणदेव कन्या इंटर कॉलेज बाबरी शामली में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि राजीव सिंघल मंडला अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट गवर्नर राजीव सिंघल ने क्लब के कार्यों की सराहना की। क्लब अध्यक्ष राकेश राठी ने बताया कि रोटरी क्लब मुजफ्फरनगर मिडटाउन समाज के क्षेत्र में ऐसे कार्यकर्ता रहेगा। चीफ असिस्टेंट गवर्नर सुनील अग्रवाल ने बताया कि क्लब आगे भी स्कूलों में ऐसे कार्य करता रहेगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में समस्त रोटरी क्लब मिडटाउन परिवार रहा। कार्यक्रम को सफल बनाने में विशेष रूप से सहयोग रहा कॉलेज प्रिंसिपल देवेंद्र कुमार और प्रबंधक कृष्णपाल शास्त्री और विद्यालय के समस्त स्टाफ और बच्चों का रहा। क्लब सहित कौशल कृष्ण क्लब सचिव आने वाले सभी रोटेरियन साथियों का आभार व्यक्त किया। जैसे अपना परिचय देते हुए बताएं सर। रोटेरियन सुनील अग्रवाल। सर आज किस तरह का कार्यक्रम आप रखा गया? स्वामी कल्याणदेव डिग्री कॉलेज बाबरी में इस विद्यालय का लोकार्पण किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन राजीव सिंघल जी और मेरे से पधारे वरिंद्र शर्मा जी हैं। क्लब के रोटेरियन साथियों का सभी का सहयोग रहा। यहाँ 100 बालिकाएँ स्कूल में पढ़ती हैं। हमें पता लगा था स्कूल में, जब हमने यहाँ पे स्कूल में आकर दौरा किया देखा तो पता लगा कि हमें जहाँ शौचालय की बड़ी आवश्यकता है, लड़कियाँ पढ़ती हैं, उन्हें शौचालय जाने में दिक्कत आ रही है। तो हमने इसका प्रयास किया, मेंबर में बात करी अपने, उन्होंने पास कर दिया कि आप यहाँ बना लीजिए। हमने बनाए, आज बड़े हर्ष का विषय है कि हम यहाँ लोकार्पण करने आ रहे हैं। ऐसे स्कूल में हमें जो भी जरूरत आगे महसूस होगी स्कूल के लिए हम करते रहेंगे। हमें पता लगा कि यहाँ कंप्यूटर लैब की बड़ी आवश्यकता है, हम उसका भी आने वाले टाइम में प्रयास करेंगे कि 2-3 महीने में यहाँ कंप्यूटर लैब लग जाए। इसके अलावा जो भी स्कूल की प्रबंधक महोदय बताएंगे जरूरत होगी हम वो करते रहेंगे। इससे पहले भी हमने कई स्कूल में शौचालय बनाए हैं, आगे आने वाले विषय में हमारी प्लानिंग लर्निंग सेंटर लगाने की और वाटर कूलर लगाने की है कि स्कूलों में वो हम ये सब आगे क्षेत्र में रोटरी हमेशा अग्नि रहा है, आगे भी अग्नि रहेगा। हमने पोलियो को बिल्कुल जड़ से मिटा दिया। अब हमारा उद्देश्य मेन उद्देश्य लिटरेसी में काम करने का है। हमारे आने वाले हमारे कमेंट जो हमारे आ रहे प्रेजिडेंट हैं शेखर मेहता जी, उन्होंने सर्व टू चेंज लाइफ का हमें नारा दिया है। उनका उद्देश्य यही है 2017 तक हमें हर हाल में पूरे विश्व को 2027 तक हमें पूरे विश्व को चटर्जी से मुक्त करना है, उसके लिए हम प्रयास करते रहेंगे। अब तक के सर कितने का रोटरी क्लब ने अपने कितने शौचालय बनवाए हैं? अब तक हमने 25-30 स्कूलों में शौचालय बना चुके हैं। आगे भी हमारा क्रम धीरे धीरे चलता रहेगा। ऐसे ही हमने कई स्कूलों में कंप्यूटर लैब भी लगाई है, इंजीनियरिंग सेंटर भी खोले हैं और वाटर कूलर भी लगाए हैं।